आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयो है। आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और दरअसल कल मेरी आर्टिकल एक न्यूज़पेपर में आई है, इंडिया में पत्रिका नामक न्यूज़पेपर में। यह मैं बहुत ही खुश हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके सपोर्ट के लिए, मेरे वीडियो देखने के लिए, मुझको फेमस करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चलो आज का वीडियो मैं डांस करने वाली हूँ। मैं जन्मजात डांसर हूँ, ठीक। हाँ, जन्मजात नहीं है। जब मैं 3 साल की थी तब मैंने बले डांस करना शुरू किया है और हाई स्कूल तक मैं डांस करती रहती थी। मेरा सपना ये था मैं क्लासिकल बले डांसर बन जाऊं, लेकिन मैं इतनी टैलेंटेड नहीं थी, इसलिए मैंने निश्चय किया चलो ठीक है, मैं बले डांस छोड़ दूंगी और हिंदी सीखूंगी। पता नहीं इतना बदल गया मेरी जिंदगी। कॉलेज में तो हिंदी नाटक करती थी, इसलिए नाटक के बाद हमेशा डांस करती थी। और कॉलेज की समा फेस्टिवल में डांस कॉम्पिटिशन था, हम हिंदी पढ़ने वाली लड़कियां साड़ी पहन के इंडियन डांस कर रही थी। उसी समय ओम शांति ओम, तुम ताना तेरन तेरन तुम ताना तेरन तेरन। हाँ, तो वो भी करती थी। तो उसके बाद जॉब करते हुए भी बॉलीवुड डांस करती थी, एक स्टूडियो में जाके संदोषा नामक। वैसे जापान में काफी बॉलीवुड डांस स्टूडियोज है और आजकल ऑनलाइन में भी करने लगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस बार बॉलीवुड नामक वो स्टूडियो से एक मैसेज आया था कि चलो एक बार साथ में वीडियो बनाएंगे। उन लोगों के डांस वीडियो यूट्यूब में है, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर चाहें तो। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मैं डांस तो कर सकती हूँ। और मैं एक चैलेंज करने वाली हूँ, 30 मिनट में तुम मेरी का डांस कितने डांस कर पाओगी? तुम्हेरी का डांस बहुत मुश्किल है। ऋतिक रोशन, मेरे पसंदीदा अक्ता ऋतिक रोशन, बहुत ही हैंडसम ऋतिक रोशन का डांस है और कतरीना कैफ जी का। तो ये डांस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, लेकिन कभी कभी ना ट्राई करती हूँ कैसे डांस करूं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है इसलिए डांस नहीं कर पा रही थी। तो इस बार इसी बॉलीक स्टूडियो का इंस्ट्रक्टर मुझको 30 मिनट में इसी डांस को सिखाएगी और देखेंगे कि मैं सच में डांस कर पाऊं कि नहीं। चलो ठीक है, तो शुरू करें। ये तो वार्म अप है, लेकिन बहुत काफी थक गई क्योंकि आजकल एक्सरसाइज तो नहीं कर रही थी ना। तो क्यों क्योंकि कुरासाई सेंसेई एक बार मिज नो मी फर्स्ट शो बॉलीवुड डांस नी कंबाई। अब 30 मिनट तुम्हारी चैलेंज करेंगे, ये शुरू में यानी इंट्रो में कोई डांस नहीं है, इसलिए गुरुजी ने जो बनाया है डांस वो मैं सीख रही हूँ। ちょっと待って、ごめん、お願いします。え、一回最後通します、最後。 This one's for you.
क्या चली हवा के ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास और मुझे हुआ ऐसा मुझे न तुझको कोई खबर पर ये दिल तब से है कहने लगा ये तो साबित हो गया कि मैं चीटिंग नहीं करती।納得はいってないですけど、ごまかせるぐらいにはなったと思います。全然良かったと思います。感想をお願いします。感想きついよ。久々に肺が鍛えられて、いい感じですね。チェーブほどカラブラガーキー、あれ、ティースミナッメイナー、マスラブ、カラブダンスヒーカルサクティチー。इसलिए हमने निश्चय किया कि कॉस्ट्यूम पहन के और एक बार डांस करेंगे साथ में। चलो देखिए। This one's for you. ऐसी क्या चली हवा के ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास और मुझे हुआ ऐसा ना तुझको कोई खबर पर ये दिल तब से है कहने लगा हमारा डांस हाँ मुझे पता है 30 मिनट में पूरा एक गाने का डांस तो नहीं कर पाऊंगी लेकिन मुझे लगा हाँ ठीक ठाक मतलब डांस कर पाई तो ठीक है ना चलो तो आज का वीडियो तो इतना ही है दरअसल ये डांस वीडियो है ना मुझे बहुत मजा आता है बनाने में शायद फिर हम डांस वीडियो बनाऊंगी और पुराने बॉलीवुड डांस वीडियोस भी है मेरे लैपटॉप में तो शायद इसको यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगी इंस्टाग्राम भी जरूर फॉलो कर दीजिए मेरे पिक्चर्स वगैरह है ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम है पिक्चर्स है चलो तो आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर